हम ये लोंगडिंग में एज ए डीडीएससी बनकर आया सिर्फ 3 साढ़े महीना सिर्फ हो रहा है, ओनली 2-3-4 मंथ इज रनिंग नाउ। इस बीच में हम भी काल परसों सुना है ये आप लोग का जो अभी बोला वाला जिसका 20+ ना कितना 30 साल मिलीगल अपॉइंटमेंट के बारे में, आप लोग जैसे सुनता है हम भी ऐसे ही सुन रहे हैं वायरल में ना, क्योंकि हम नहीं जानता है, क्योंकि हुआ है ना नहीं हुआ है मालूम नहीं, हुआ भी था होगा तो मेरा प्रीडिसर्स में हुआ होगा, लेकिन मेरा समय में तो हमारा समय में 2-3 महीना में हम कुछ भी मालूम नहीं है। आप ऑफिस को ठीक से चला रहा हूँ, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट को कैसे आगे बढ़ाना है, एजुकेशन को सीनरी को कैसे आगे बढ़ाना है, उसी के सिलसिले में हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को ठीक से चला रहे हैं, लेकिन अभी जो वायरल जो घूम रहा है उसको बारे में हम मालूम नहीं। जो जो इलीगल अपॉइंटी है जिसका जो एलिगेशन आ रहा है उनका पोस्टिंग अभी कहाँ कहाँ पे पता पाएंगे? नहीं, हम अभी आप लोग को अभी बोल दिया ना, हमको मालूम नहीं है। अभी आप लोग हम लोग ऐसे करेगा, अभी भी एनडीसी का स्टूडेंट यूनियन भी आया था, एप्लीकेशन भी दिया है ये पंडित को लो कहाँ कहाँ में मैंने पोस्टिंग हुआ है, ट्रांसफर पोस्टिंग अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्या क्या वगैरह वगैरह, उन लोग अभी हमसे मांगा, हमने लिख कर हमारा ये को हेड डिसीजन को दे दिया, वो मतलब 2-3 दिन अंदर में प्रिपेयर करके देगा साइनबिंग करके, क्योंकि हमारा ड्यूटी तो सिर्फ वो इनिशियल देके उन लोग को भेजना है तो ना वही है, क्योंकि कहाँ कहाँ में किस स्कूल में रखा है कौन किया है एकदम टोटली हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम नया है, न्यू है, वेरी न्यू है। सर आज जो कैसे ग्रुप लोग आया था तो वो जो इलीगल अपॉइंटी जो हुआ था उनका लिस्ट जो उन्होंने लेके आया या फिर आपका तरफ से निकला? नहीं नहीं, उन लोग ने राफली एक तो लिख कर लिया था, हम भी वो है ना नहीं हम भी मालूम नहीं, लेकिन उसको वेरीफाई करके ऑफिस वाला छानबीन करके देगा वह। सर क्योंकि आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं तो सैलरी भी सिग्नेचर अथॉरिटी चार चेक पावर भी आपका है, हाँ। तो सर उनका सैलरी भी तो जो बन रहा है सर आपका ही थ्रू बन रहा है, तो आपको उनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है? क्योंकि हमने ये आपका लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में आया था 2-3 महीना, इसमें सैलरी हम लोग तो जितना मैंने एसओडी है ऑफिसर लोग सैलरी ये सैलरी है बोलने से हम लोग सिर्फ साइन करता है, क्योंकि 1 by 1 गिनकर 2000-3000 टीशर्ट अंदर कैसे सर्विस बुक को हमने ऑफिसर से कर सकेगा ना, इसलिए हम लोग सिर्फ ये सैलरी है बोलने से। अपॉइंटमेंट के बारे में आप लोग का डिपार्टमेंट का क्या स्टैंड है सर? डिपार्टमेंट का ये लोग तो ये कहाँ से कैसे अपॉइंटमेंट किया है उसको देखकर किससे एक्शन लेना है नहीं लेना है वो आप लोग ये उसे एनडीसी को करेगा, क्योंकि हमारा ड्यूटी है आया हमने ये को इलीगल अपॉइंटमेंट किया वाला नहीं किया वाला मालूम नहीं, उसको देने के लिए हमने ली थी छानबीन करके दियो बोला है, क्योंकि टोटली रियली हम ये चीज को मालूम नहीं था। अभी मेरा समय में आई एम वेरी अनलक्की, मेरा टेन्योर में ये सुनने मिला ना, हमको कुछ मालूम नहीं। जैसे कि सर अभी जितना पब्लिक में जैसे बात चल रहा है कि जो जो इलीगल अपॉइंटी लोग है जिसका नाम है वो लोग अभी विदाउट एन अपना पोस्टिंग प्लेस भी नहीं उनका, तो वो लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हैं लेकिन सैलरी वो लोग ड्रॉ कर रहा है, तो सर कभी आपने कभी इंस्पेक्शन किया विलेजेस लोग में स्कूल लोग में कि आपका ड्यूटी कर रहा है कि नहीं, टीचर्स है कि नहीं? हम ये लास्ट ईयर मैंने नवम्बर सिर्फ 2 महीना में कवर अप नहीं कर सका, अभी ये न्यू सेशन में हम ये करेगा, सब स्कूल को विजिट करेगा सोच रहा, तब ना पता चलेगा एग्जैक्टली ये ठीक है ना नहीं ना, यही सोच रहा था मेरा वो सब स्कूल कवर अप करने के लिए समय भी नहीं मिला, इतना 2-3 महीना में क्या करेगा ना, ऐसे भी गर्म दिन आ रहा है समर सीजन आ रहा है नहीं, यही है डिपार्टमेंट में अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है उनसे, ये तो हर एक डिपार्टमेंट का शायद प्रोटोकॉल नियम है शायद कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना है, आपका डिपार्टमेंट ये चीज़ में अभी तक क्यों लेक कर रहा है जब से, क्योंकि ये खबर निकला हुआ तो बहुत समय हो गया सर? नहीं, ये जो एनडीसी लोग आज ही आया है, आज ही आया है, तो हमने उनको एप्लीकेशन में लिख दिया ये एस्टेब्लिशमेंट में फर्निश करो। अच्छा सर, अगर स्टूडेंट यूनियन अगर नहीं आता तो ये केस को फर्दर कुछ डिपार्टमेंट देखा भी नहीं करना था सर? क्यों नहीं, ये आने से क्यों नहीं देखा? तो आप बोल रहे हैं हम तो बोल रहे हैं कि एलडीएसयू आया इसलिए वो कर रहे हैं। नहीं, नहीं मतलब आया था बोलकर दे दिया हम ही बोल।
फिर हम उसको रखते क्या करेगा ना सर। अभी ये इशू को लेकर आपका तरफ से अभी और क्या एक्शन करने जा रहे हैं सर, आप कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगा आपका डिपार्टमेंट, क्योंकि आप नहीं, 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 हमारा ड्यूटी है, हमने ये वाला को ऑफिस वाला को ये इसका मैंने इलीगल वाय बोलकर जो कंप्लेन लिखा वाला को सनबिन करके जो मांगने वाला को दियो बोलेगा, मेरा ड्यूटी हुई है, उसका बाद मैंने फर्दर क्या कार्रवाई करना है वही लोग जाने, मेरा पावर को लिमिट ही ना, हम आई कैन नॉट डू डायरेक्टली, आप लोग जानता है सर। स्पेसिफिकली आप बता पाएगा कि इश्यू क्या है, मतलब कितना टीचर्स के बारे में और 20 लोडिंग का कितना है और बाहर का कितना, कुछ आप एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं, हमने फ्रेंडली ना ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है जैसे कि कोई भी एसओ डी आने से ना कितना थाउजेंड है पाइल वाइज नहीं देगा ना, सिर्फ हम नहीं, जो दरमा को तो सैलरी को तो साइन करने में कैसे लगेगा, साइन कर देता है कोई भी ऐसे करता है। नहीं सर, मेरा ये बात जो है आप पेमेंट का उसमें नहीं जा रहे, जैसे कि अगर मैं होता आपके जगह में एग्जांपल के लिए ले लीजिए, अगर ऐसा कुछ मेरा विदिन माय कंसर्न डिपार्टमेंट मेरा अंदर में अगर कुछ ऐसा होता तो माय इंस्टिंक्ट हम अपना कुछ मेरा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उसको चेक फाइन करना कि ये सही में है ना गलत में, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ भी वायरल हो सकता है। तो मेरा एग्जांपल हिसाब से तो हम तो करना था, आपका क्या कहना है सर इसमें? आप नहीं नहीं मेरा डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, कल परसों हम भी जैसे आप लोग सुने हम भी सुना है, आज उन लोग ने आया एप्लीकेशन लिखा, हमने परमिश करो दे दो ऐसे लिख दिया, ये है मेरा। और सर ये आपका डिपार्टमेंट अभी कितना दिन तक ये एक्सप्लेनेशन दे पाएगा? इसको भी हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा ड्यूटी जो है एप्लीकेशन जैसे लिखा परमिश करो, अभी मुरली सर ने बोला 2 दिन में दे देगा बोल दिया,